बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत है। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है सफीहा चिकन पाई। इसके लिए आपको चिकन का कीमा चाहिए होगा, तो मैंने 1 कप ले लिया चिकन का कीमा। इसके साथ आपने थोड़ा सा हमने जो मसाला डालना है उसके लिए आपको प्याज बारीक कटी हुई चाहिए होगी, ये आप हस्ब ज़रूरत ले सकती हैं। मैंने तकरीबन 3 जो है टेबल स्पून लिए हैं बड़े। उसके बाद आप शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े टेबल स्पून शिमला मिर्च के लिए बारीक कटी हुई है। उसके बाद तिलों का इस्तेमाल होगा, वो हम हस्ब ज़रूरत जितने हमें ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नमक जो है इसमें मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी, आप अपनी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें मैंने 1/4 लिया है, बिल्कुल जो है चाय वाला चम्मच है उसकी टिप पे मैंने काली मिर्च ले ली है। उसके बाद इसके लिए आपको ये डो चाहिए होगी। डो का क्विक रिव्यू आपको मैं दिखाती हूँ ये मैंने कैसी बनाई है। अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें मैदा चाहिए, मैंने 5 कप मैदा ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, इसके अंदर मैंने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लेने हैं यहाँ से। फिर उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे हम, मैंने पानी साथ रख लिया है, ये हम हस्बे ज़रूरत है जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये इंस्टेंट यीस्ट है, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। आप लेवल्ड ले लें, भर के ना लें, लेवल्ड 2 टेबल स्पून। चीनी भी मैंने 2 चम्मच ले ली, आप लेवल्ड ले लें। और जो नमक है ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए अब ये डो रेडी है, इसको हम छोड़ देंगे। आजकल जैसे गर्मी है तो 30 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये फूल जाएगी। सो आफ्टर 30 मिनट्स लुक एट दैट। उसके बाद ये मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, ये मैंने 1 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च ले ली है। और ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन मैं मुझे अच्छी लगती है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आज नहीं कर रही क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर पसंद नहीं है। उसके बाद ये अंडा एक इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगी। ये मैंने ऑयल डाल दी है, तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा प्याज डाल देंगे इसमें। हल्के से ट्रांसमिशन होंगे तो हम सारे कीमा डाल देंगे। इस पॉइंट पे ये नमक मैं डाल दूंगी। कीमा डाल देंगे। यहाँ पे इसमें सब्ज़ जो मिर्च है वो भी डाल देते हैं। बता दूँ आप इसको ज़रा सा स्पाइसी बना सकते हैं। मैंने आज इसमें स्पाइसी नहीं इसमें ना मैंने टमेटो सीखी है, पर अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसमें टिक्का मसाला डाल सकते हैं, नमक मिर्च खबर लाल भी डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल दें और बस अब इसको ठंडा होने के लिए पका देंगे। काली मिर्च का कंस इसलिए डालते हैं ताकि जो रंग है इसका काला काला ना हो जाए। ग्रीस कर लेना ट्रे को, क्योंकि हम बेकिंग के लिए रखने लगे हैं तो उससे पहले ये ग्रीस होना चाहिए। इसको साइड पे कर दें, सरफेस साफ करके इसको डस्ट कर लें। बिल्कुल बारीक सा पेड़ा लेना छोटा सा। मैंने आपको डो का तरीका शुरू में बता दिया। ये देखिए इस तरह आपने 4 पेड़े कर लेने आटे के। और ये कीमे में आपने ये शिमला मिर्च है, ये आपने मिक्स कर लेनी है इसके अंदर ऐसे, और ऐसे हम लोग स्टफिंग अप कर लेंगे इसकी मिक्स कर। ये स्टफिंग आपने ऐसे रख लेनी है इसके अंदर। और ये देखिए आपने यहाँ से हिस्से उठाए कर दिए, और यहाँ से ये हिस्से उठाए और आपने ऐसे बन जाएगा। उसके बाद इसको उठा के आपने अपने ट्रे पे रख लेना, और ये आपको टेंशन नहीं लेनी, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको ऊपर से कुछ लगाएंगे जो इसका कलर और इनहैंस कर देगा। ऐसे है। अब अगला बनाते हैं। कीमा पका के बनाने का तरीका बताया है, कच्चे कीमे से जो बदबू है कीमे की, जो बुए खाती है तो बीच में रहने का खतरा होता है। तो अच्छी बात ये होती है कि आप पका के इसको ऐसे बना लें। कीमा पका होगा, ये परेशानी नहीं होगी कि बदबू आएगी या कुछ भी। ये आपने ज़रा ट्रिकी है पर इंशाल्लाह हो जाएगा। अब मैं ये आपको सारे बना के दिखाती हूँ, उसको मैं रख के दिखाती हूँ। ट्रे के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए मैंने 4 बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर चीज़ ऑप्शनल है बिल्कुल, मैं चीज़ डालूंगी, मैं मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करूँगी। चीज़ से पहले हम इसके ऊपर एग साइड पे लगाएंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आए। ये अंडा लगा लिए, अब हम इस पर तिल स्प्रिंकल कर लेंगे साइडों पे। तिल सारे लग गए हैं। अब इसके ऊपर हल्की सी चीज़ हम डालेंगे, बिल्कुल मामूली सी, और ये ऑप्शनल है। ये मोज़रेला चीज़ मैं डाल रही हूँ। अगर आप चटर डालेंगे तो वो फूलना शुरू हो जाती है, फिर उससे लुक इतनी खूबसूरत नहीं बनेगी। बिल्कुल हल्की सी चीज़ डाल रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने ओवन प्री हीट किया 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब हीट इसको जब हम रखेंगे तो नीचे से पहले देंगे ताकि नीचे से अच्छी तरह कुक हो जाए, फिर हम इसको ऊपर से कुक करेंगे। मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको पहले ही प्री हीट कर लिया, और साथ में इसको ये चलता रहेगा। इसके अंदर क्योंकि कीमा पका हुआ है इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है कि कच्चा रह जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह रेडी है, इनको निकालते हैं। बहुत खूबसूरत कलर आया। ये देखिए अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि इसका कलर और इनहैंस हो जाए। बहुत ही लजीज माशाल्लाह लग रहा है, बहुत मज़े का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे सफीहा चिकन पाई रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसे लगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।